मशीन चाहिए उसके लिए। समोसा बनाने आगे। अगर किसी को पता है कि ये कहाँ सही हो सकता है, वैसे मेरे पास एक ड्रोन ये भी है। सर्दियों में जब ऊपर जब बर्फ गिर जाती है ना, तो उस टाइम ये वाली घास काम आती है। बाकी अपना घर ठीक इस धार के नीचे है। रूम में एंटर करते ही कुछ इस टाइप से डेकोरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, और कमरे से बाहर कुछ इस टाइप का व्यू मिलता है। और विंटर के टाइम पे इन पहाड़ियों पे खूब सारा स्नो गिरा रहता है। सुबह के 6:30 हो रहा है। ये वाली सब्जी मुझे मस्तूरा पे पहुंचानी है और ये जाएगी देहरादून। मैं भी मस्तूरा में पहुंच गया हूँ, बस यहाँ पे इंतजार है गाड़ी का। ऐसी गाड़ी आ जाएगी फिर मैं भी घर निकल जाऊंगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी धूप आ जाएगी, और आजकल धूप की जो चमक है ना, बड़ी खतरनाक सी लग रही है। अब गाड़ी का वेट करते करते सनराइज भी हो गया है। अभी 7:10 हो रहा है और सनराइज भी हो गया है भाई यहाँ पे। तो आज की मैगी सिवांस बना रहा है, ये लगा था कि मैं बनाता हूँ। बाकी ठीक है, आज टेस्ट करते हैं ये कैसी मैगी बनाता है। ठीक है, इसके बाद ये वहाँ डाल रहा है यार। ये बड़ा ये मैगी बना रहा है वह। मैं खा दी। पापा ये मसाला खा रहा। अब वैसे मेरे पास एक ड्रोन ये भी है, और एक मैं कल ये वाला ले आया हूँ। अब जो पुराना वाला था वो कुछ इस टाइप से था। अपने पास वैसे एक GoPro 11 भी है, पर ये कुछ टाइम पहले पानी में मतलब वॉश हो गया था, तो इसके अंदर ना पानी चले गया था। जिनसे मैंने ये लिया था उनसे बात भी करी, वारंटी पीरियड में था, पर बात जब ख़राब हो गया उसके बाद वो मुझे ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। पर इनकी शायद से वारंटी, जो वाटर की जो वारंटी है ना, वो रही थी शायद, पता नहीं क्या था, पर उन्होंने मना किया कि ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता है कि ये कहाँ सही हो सकता है, इसमें पानी जा रखा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे लोकेशन शेयर कर देना। बाकी अभी अपनी तैयारी हो गई है सारी निकलने की, और साथ में मैंने अपना जो मोटो ब्लॉग जो सेटअप है वो भी रख दिया है। अब चलते चलते फ़ोन से बनाना मैंने छोड़ दिया है, जब से परसों बाइक गिरी ना तब से वो चीज़ें छोड़ दी है। अब जहाँ भी जाऊँगा तो सेटअप अपने साथ लेके जाऊँगा। मैं भी पहुंच गया सारी विलेज में, और अभी मैं हूं सारी में रागी होम स्टे पे, जो उपेंद्र भाई का है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है काम? काम चल रहा है, बस शुरू सीजन शुरू होने वाला है, चहल पहल शुरू हो गई है, और मौसम भी अब बहुत सही हो रहा है। नहीं तो बारिश ने थोड़ा काम ख़राब कर दिया। इस साल ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और क्षेत्र में ज़्यादा ही नुकसान हुआ है केदार घाटी में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सारी गांव में एक बार फिर से। 15-20 दिन में ये होम स्टे तैयार हो जाएगा, तो आप लोग भी सारी में आओगे तो ज़रूर से रागी होम स्टे पे विजिट करना, अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। क्यों भट जी? बिल्कुल सर। अगर इस ब्लॉग के माध्यम से कोई यहाँ पे पहुँचता है तो ज़रूर से भट जी थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे ही देंगे। बिल्कुल, डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है निकी जी की तरफ से। आपको फुल डिस्काउंट यहाँ पर कोशिश करेंगे हम देने की।
यहाँ पे जो हमारी चाची बॉडी लोग हैं, भाभी लोग हैं, वो अभी यहाँ पे ना ये घास को पेड़ों पे लगा रहे हैं। और एक तो बारिश से भी बचता है, फिर ये ख़राब नहीं होता है, और मेन होता है ये सर्दियों के लिए इन सारे पेड़ों पे घास कुछ इसी टाइप से लगाया हुआ है। सर्दियों में जब ऊपर ऊपर जब बर्फ़ गिर जाती है ना, तो उस टाइम ये वाली घास काम आती है। और आजकल खेतों का काम खूब सारा है, तो सभी लोग लगे हैं अपने लवाई मंडाई करने पे। बाकी यहाँ पे आते ही मसाला छाछ बना दी है भाई जी ने। और यहाँ का जो व्यू है वो कैसा आ रहा है, बाकी चलो आप लोग फिलहाल थोड़ा सा ड्रोन शॉट के मजे लीजिए। इस गर्मी वाले माहौल में छाँस मिल जाए तो उसके मजे ही कुछ अलग है। शाम के अभी लगभग 4:30 हो गया है, बाहर बड़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। और नीचे खेतों में ना कुछ लोग जो मंडुए की लवाई है वो करने के लिए जा रखे हैं। बरसाती वगैरह डालने के बाद ना जो मंडुए की लवाई है वो शुरू कर रहे हैं, और बाहर बड़ी तेज़ बारिश लग गई है अभी। बाकी अपना घर ठीक इस धार के नीचे है, मुश्किल से नीचे से अगर मैं पैदल निकलूँ 5 या 10 मिनट में सारी में पहुँच सकता हूँ मैं, इतना नज़दीक है मेरे सारी विलेज। अभी पंकज भाई लगे हैं ड्राइंग पे, और ड्राइंग अभी ये वाली ना तीनों कंप्लीट हो गई हैं, और इसके ऊपर से लग रहा है अभी वार्निश लग रहा है, थोड़ा बहुत जो शाइनिंग आएगी वो इससे भी आ जाएगी। कि पंकज भाई ने यहाँ पे खूब सारी पेंटिंगें बना रखी हैं, और एक ये वाली पेंटिंग है ये बड़ी मस्त सी लग रही है भाई। शाम के लगभग 5:30 हो गया है, और सुबह से मैं रागी होम स्टे पे था। आज का जो मेरा दिन का जो लंच हुआ वो रागी होम स्टे पे हुआ है, और बाकी यहाँ के रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। चलो आप लोगों को भी रूम्स वगैरह की सैर करवाते हैं। बाकी मेन एंट्रेंस कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है बड़ा मस्त करके। रूम में एंटर करते ही कुछ इस टाइप से डेकोरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी काफ़ी अच्छे रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं रागी होम स्टे में। और ये वाली जो पेंटिंगें हैं ये अभी पंकज भाई जो हमारे दोस्त हैं वो अभी तैयार कर रहे हैं इन सारी पेंटिंगों को। होम स्टे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन करा हुआ है, और कमरे से बाहर कुछ इस टाइप का व्यू मिलता है आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करते हो तो कुछ इस टाइप का व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मॉनसून का टाइम है तो कुछ इस टाइप से क्लाउड भी अभी आ ही रहे हैं, और विंटर के टाइम पे इन पहाड़ियों पे खूब सारा स्नो गिरा रहता है, और ये वाला गाँव भी स्नो से बिल्कुल ढका रहता है। हर एक मौसम का अपना अपना मज़ा है। अभी मॉनसून में कुछ इस टाइप से पहाड़ों में हरियाली है, विंटर टाइम में पूरे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। हमारे इस रागी होम स्टे के जो ओनर हैं वो हैं उपेंद्र भाई। तो बाकी ओपी भाई से सुबह के टाइम पे भी बात हुई, और बाकी अभी रूम के बारे में बात करते हैं और क्या प्राइस है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि प्राइस वगैरह क्या रहता है, कैसे रहता है। नहीं जी, प्राइसिंग का अभी तो हमने कोई ऐसा सोचा नहीं है, अभी तो करीब 1 साल हो गया इस पर गली बनाते बनाते, कभी डिजाइन चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत मन से बनाया है ये। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। एक बनाने का ही मतलब था इसमें, ऐसा है कि एक होम स्टे बनाने से मतलब था, ऐसा पैसा वैसा तो अभी सोचा नहीं है। एक बार आए हॉस्पिटल देखें यहाँ पर, वही हमारे लिए काफ़ी है फिलहाल।
बिल्कुल, आप लोग जरूर आइए। अगर आप लोग सारी विलेज में या चुपता वैली में एंटर करते हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आप लोगों को काफी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगे। और आज बाहर ना पूरा जो वेदर हो रखा है वो कुछ इस टाइप का हो रखा है, पूरी चुपता वैली में बिल्कुल काले काले बादल लग चुके हैं और आसमान में जोर जोर से आवाजें हो रही हैं। यानी कि अगर इसी टाइप से रहा तो शायद से रात के टाइम पे बड़ी तेज़ बारिश हो सकती है। और आजकल पहाड़ों में हो ही कुछ ऐसा रहा है, दिन भर ना बड़ी तेज़ धूप रह रही है और शाम के टाइम या रात के टाइम ना बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और डर भी लग रहा है जिससे आपका माहौल बना हुआ है। और ये जो सारी पेंटिंगें बनाई हैं ये बनाई हैं पंकज भाई ने, तो आप भी पंकज भाई से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को भी अपने घर पे होटल होम स्टे कहीं भी कुछ भी पेंटिंग वगैरह बनानी है, कुछ भी करवाना है तो आप लोग भाई से कांटेक्ट जरूर करना। और काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगें भाई ने बनाई हैं, अच्छी बनाई है, अच्छी बनाते हैं। आप बोलोगे जैसे बोलोगे हम। मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय।